इतनी देर से क्यों आई हो? अच्छा है, बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? सही लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? मैं निकाह के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखो, माँ बाप बच्चों के लिए जो भी फैसला करते हैं अच्छा ही करते हैं, और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, वैसे भी मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। क्या हुआ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम्हारी उलझन सुलझाती हूँ, चलो मेरे साथ। शहरी भाई, सायरा आंटी के बेटे शहरी भाई? हाँ, वो ही तुम्हारे खिसर जमाल है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मगर मुझे यकीन आ गया है। जब मोहब्बत सच्चे दिल से की जाए ना, तो कुदरत उसे खुद मिलवा देती आपसे। देखा किस कदर ठीक थे मेरे अंदाजे, और तुम घुन्नी मिसनी, कहा तो मान के ही नहीं दे रही थी, और अब ऐसा खुल्लम खुल्ला इतराब। पहले तो वो एक ख्वाब थे जिसकी ताबीर बहुत ड्रावनी भी हो सकती थी, मगर अब तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी हकीकत। माही आवे गाए फुला नाले। और वो तुम्हारी शहरी भाई से शदीद नफरत? मेरा ख्याल है कि मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन शहरी भाई की नफरत उनकी मोहब्बत से जीत गई तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मोहब्बत नफरत को हमेशा हरा देती है। और वैसे भी वो तो मरियम से मोहब्बत करते हैं ना, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वही मरियम हूं, तो जिया के लिए उनके दिल से नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और फिर शुरू होगी मोहब्बत। और अगर शहरी भाई को पता चल गया तो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, और तब तक नहीं पता चलने दूंगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, और जब तक शादी नहीं हो जाती उन्हें रहेगी मुझसे नफरत, और मोहब्बत वो शुरू होगी शादी के बाद। चंबेली बाजी, आप भी? ओ भाई, आपकी बात में सुन रही है। चंबेली, चंबेली, क्या कर रही थी तुम यहाँ? नहीं जी, कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं सुना। झूठ मत बोलो, आप ही या फिर चुप चुप के बातें सुन रही थी? झूठी। नहीं नहीं जी, मैनू नहीं पता जी कि वो आप शहरी साहब की रेडियो वाली मरियम अजान हो। मैनू की पता? मेरे भाई की आई बरात, भाई मेरा नाचा बलोची शलवार। मेरी जान पर बनी है और तू यहाँ पर गाने गा रहा है? मेरे प्यारे धूला, क्या हो गया है आपको? क्या प्यार में मुब्तला तो नहीं हो गया? थोड़ा फ्री ना हो और पानी लेकर आ। लेकिन मेरे भाई आसिफ ने जब ये अंगूठी देखी ना जिया बीबी, जैसे बेचारे का दम ही निकल गया। वो तो जब मैंने बताया कि जिया बीबी ने दिए, तब बेचारे की जान में जान आई। वैसे जिया बीबी, मैं भी सोचती हूँ बड़ा ही जुल्म हो रहा है जी आपके साथ। कहाँ शहरी साहब और कहाँ आप, कोई जोड़ नहीं है वैसे उनसे आपका। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? हैं, किस बारे में? ओ अच्छा, नहीं नहीं जी, मैंने तो शहरी साहब को कानो कान खबर नहीं होने दी कि आप उनकी वो रेडियो वाली मरियम एहसान है। अब तो आप मान गई ना चमेली अपनी बात की कितनी पक्की है? तो मान गई कि चमेली अपनी बात की बहुत पक्की है। पागल हो गया क्या? मैं नहीं मानता। तेरे ना मानने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? यार तू मरियम एहसान और इस चुड़ैल को कैसे कंपेयर कर सकता है? तूने कभी मरियम एहसान को सुना? यार जब वो बोलती है ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई फूल झड़ रही, सारी दुनिया रुक जाती है। और ये चुड़ैल, अरे ये तो बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे ढोल बज रहा हो, सारा दिन ही करती रहती है। ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। चल मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल आ, मैं तुझे दिखा। जा।
कैसे पता चलेगा कि ये मरियम है? अरे मैंने अपने कानों से सुना है। तू एक काम कर, ये मेरे बहन के घर का नंबर है, इसके घर पे फोन कर, इसका भाई फोन उठाए। तेरे पास नंबर कहाँ से है? और तू छोड़ ना, भाई को बोलना कि मरियम को बुलाए, फिर तू देख क्या होता है। ये ले, बात कर, खुद बात कर। यार किसका फोन है अभी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन? हाँ बेटा, क्या हाल है? मरियम है? आप ही नहीं है घर पे अंकल? अच्छा, आप प्लीज उनको जरा जल्दी बुला दीजिए, क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है रेडियो पे। अच्छा होल्ड करें, वो पड़ोस में गई, मैं इनको बुला के लेके आता हूँ। पड़ोस में? कैसा बेटा, हल्का समझता है ना मुझे? देख लिया, यही देखना, यही आएगा उसका भाई। आप यहाँ यहाँ खड़ी हुई, वहाँ आपका फोन आ रहा है। मैं अच्छी खासी गेम खेल रहा था, जय आपका फोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आए। मेरी बात सुनो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए और जुड़े लेकर आऊँगी, ठीक है? चेंज भी लाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। देखा बच्चू, अब आए यकीन? मैं कहता था ना, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हाँ यार, आ गया यकीन। और अपनी मोहब्बत पे, तूने देखा मेरी मोहब्बत मुझे ढूंढते हुए कैसे खुद ही मेरे पास आ गई? लेकिन तेरी मोहब्बत को तुझ तक पहुंचाया किसने बाबू? तो देखना अब मैं क्या करता। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। शुक्र है आप मुझे नजर तो आए, आप कहीं गई हुई थी? आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इतने दिनों से आप नजर नहीं आई ना, तो मैंने सोचा जाकर आप पर चेक कर लूं कि आप ठीक तो हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ही ज्यादा। आप ऐसे क्या देख रही हैं आप? ओह, आपने भी मुझे मिस किया, राइट? आप साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या है मैंने, आपकी इस दूरी ने मुझे आज एहसास दिला दिया कि न जाने कब कैसे मुझे आपसे मोहब्बत होगी। आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अब मैं दिलो जान से सिर्फ आपका हूं। और आपकी वो मोहब्बत जिसके बगैर आप एक जिंदा लाश की तरह थे, वो मोहब्बत नहीं, वो एक हिमाकत थी, एक बेवकूफी थी। मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। आप होश में तो हैं? अभी तो होश में आया हूं, जब से आपको देखा है ना मैं तो पागल सा हो गया हूं। अब मुझे पता चला है कि मोहब्बत क्या होती है। और जहां तक वो क्या नाम था उसका, मरियम एहसान, वो रेडियो वाली लड़की, मैंने तो उसको आज तक देखा ही नहीं है। ना जाने कौन है, कैसी है। और वैसे भी ये रेडियो वाली जो होती है ना, मैंने सुना इनकी सिर्फ आवाजें ही अच्छी होती हैं, शक्ल तो अल्लाह माफ करे बस। और आपको देखें, आपकी तो ना सिर्फ आवाज अच्छी है बल्कि शक्ल तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो मैं रिस्क क्यों लूं जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर आपसे मोहब्बत कर ली। कब देंगे मुझे ही रिजेक्ट करके मुझे एक्सेप्ट कैसे कर सकता है वो? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मरियम भी तुम ही हो और जिया भी तुम ही हो। हाँ, मगर ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना, वो तो नहीं जानता। और वैसे भी एक बात डिसाइडेड है कि उससे शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हो, मत भूलो तुम्हें उनसे मोहब्बत है। क्या उस मोहब्बत से भी मुकर जाओगे जिसका एतराफ कर चुकी हो? मैं मोहब्बत से नहीं मुकर रही, मगर किसी ऐसे इंसान से शादी तो नहीं कर सकती ना मैं जो सिर्फ मोहब्बत के दावे करता हो, मोहब्बत के बारे में कुछ ना जानता हूँ। मगर तुम्हारी ये लॉजिक यहाँ किसी को समझ में आने वाली नहीं है। इकरार के बाद किया जाने वाले इनकार की कोई वैल्यू नहीं होती पागल। तो क्या मैं एक फ्लर्ट से शादी करूँ जो कल तक मरियम से मोहब्बत करता था, आज उसे जिया से मोहब्बत हो गई है, और कल को किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई तो? और ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के दिल दुखाए होंगे उसने,
अगर मैंने उसे शादी कर ली ना, उन सब लड़कियों की बदुआएं कहीं मुझे ही ना लग जाए। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ चंद दिन बाकी है निकाह में। इतना खूबसूरत निकाह का जोड़ा लेकर आई है सायरा आंटी तुम्हारे लिए। अब अगर तुमने कोई ऊट पटान हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो बहुत बुरा होगा जिया। अम्मी बेटा देखो, तुम्हारा निकाह का ड्रेस आ गया। अभी अभी चमेली देखकर गई है, देखो कैसा लगा। अम्मी भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे सारा का टेस्ट बहुत अच्छा है कपड़ों में। तुम्हारी बरी तो शानदार आने वाली है। सारा तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगी। अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती उससे। हमको बेहुदा किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। अम्मी वो मेरे टाइप का नहीं है। आइए आइए तशरीफ लाइए, जरा सुनिए आपकी लाडली क्या फरमा रही। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल है और अब ये फरमा रही है कि शरीन के टाइप का नहीं है। बेटा आखिर मसला क्या है? बाबा आप तो मुझे समझते हैं ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। लड़का बहुत बड़ा फ्लर्ट है। हमने आपकी बात को समझा था बेटा, इसीलिए आपकी वालदा मुहतरमा के सामने डट गए थे। और आपने तो खुद कहा था कि आपको रिश्ता बेहद पसंद है, तो फिर ये अचानक क्या हो गया? बाबा मैं जानती हूँ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने खुद मारी है, और गलती तो इंसान से ही होती है ना, मुझसे भी हो गई। मगर अब मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में आपकी अम्मी ठीक कहती हैं, आपने हमारी सोच से ज्यादा बचपना है। मेरे ख्याल में आपकी अम्मी और हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल मुनासिब है। हमें इत्मीनान है कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, इसलिए कि इस पूरे मसले में आपसे राय ली गई थी। कि मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता हूं। आपकी स्टोरी ने मुझे आज एहसास दिला दिया कि न जाने कब कैसे मुझे आपसे मोहब्बत होगी। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? कौन बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच सोच कर पागल हो रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वो एक्चुअली अम्मी ने कहा था कि मैं फोन करके आपसे बात कर लूँ। अम्मी चाहती हैं कि हमारे घर का माहौल शादी के बाद खराब ना हो, तो चाह रही हैं कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए फिलहाल मुझे सोना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी नींद मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सवाल सुन लिया मैंने, बस इतना बता दे कि कंपलसरी या कोई ऑप्शनल बात करनी है आपको मुझसे। लगता है आप मुझे बहुत सख्त समझती हैं। एक्चुअली आप मुझसे इतना मिली जुली नहीं है ना, तो आपको पता नहीं कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्या आप इंसान हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। कल ही तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, और इसके अलावा मैंने कभी शौहर को अफजल और बीवी को कमतर कभी नहीं समझा। देखिए मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपने मुझे सब कुछ इतनी जल्दी क्यों बता दिया? सुन के मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। ऐसा करें आप रुके, मैं अपने आंसू पोंछ कर आती हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे आप कितनी फरमाबरदार हैं। हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। वो जैसे कि खालिद ने अपनी किताब बांगे दरा में क्या खूब कहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। स्टूपिड इंसान। हेलो हेलो, क्या
क्या बाबा ने अम्मी को साफ साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करेंगे वो उससे? नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तुम्हारे लिए खुशी खबर होती। मामी पार्लर की अपॉइंटमेंट लेकर आ गई हैं और तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आई हैं। हाँ याद आया, चमेली आई हुई है, बता रही है शहरी भाई बहुत खुश हैं आजकल। और तुमने उस चमेली की बच्ची को साफ साफ बता दिया होगा कि मैं खुश नहीं हूँ, अब वो कितना खुश हो रहा होगा। पापा ने भी मुझसे मुंह फेर लिया, मगर तुम देख लेना निकाह हो जाएगा मगर रुखसती नहीं होगी। ओ बल्ले बल्ले भाई तेरी है नाज ना तेरी। ओए बल्ले बल्ले क्या मसला तुझे? अरे मेरी प्यारी मासूम सी भाभी को तू वहां नाराज करके ये आराम से बैठ के खिलखिला रहे। एक तू मासूम और एक तेरी भाभी, बाकी सारी दुनिया तो जालिम जल्लाद है। या तेरी भाभी ने क्या मुझे कम तंग किया जो तू मुझे कह रहा है? मेरा भी कुछ हक बनता है। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत गुस्से में भाभी जाए, ऐसा ना हो कि हक हक के चक्कर में तू नाक मारा जाए। वो याद आया तेरी शेरवानी लेने जा रहा हूँ, चलते हैं साथ। साहिर है, तेरे साइज की शेरवानी थोड़ी पहनूंगा मैं। हाँ मैं चलूंगा साथ। बच्ची चक्कर कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आज रात मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। सेना बीबी जल्दी करें, सब फोटो के लिए नीचे बुला रहे हैं। हाय जिया बीबी, कितनी सोनी लग रही हो आप। कोई काला टीका शीका लगा ले, ये जो अपने शहरी साहब है ना, बड़ी बुरी नजर है जिनकी, जल्दी से आ जाए। देखा एक और मसला, ये इंसान जो है ना, ये स्लोकी अंबार है डेंगी, सब कुछ खराब हो जा रहा है। जिया वो तुम्हारे हस्बैंड है। अच्छा ठीक है बाबा, कह के मेरा खून मत चला दो। अच्छा चलो मैं नीचे देख के आ रही हूँ क्या हो रहा है। जाओ पता नहीं कहाँ समा गया है, कैसी फजा है, क्या रत जगा है, के मन विच माही बसदा, मन विच माही बसदा। आपकी दोस्त मुझे कुछ नाराज लग रही है। नहीं नहीं शहरी भाई, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, बस ये थोड़ा शर्मा रही है। झूठ मत बोल जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि मरियम एहसान वाली बात आपने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली। देखिए वो मेरा पास था, और वैसे भी अगर आपका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड होगा तो ये चीजें तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। बट ट्रस्ट मी, अब शादी के बाद आई एम गोना बी योर्स, आई एम अ वन वुमन मैन। वो बोजानी बुला रही है, जा। यार आज के दिन तो मेरी इज्जत कर ले, दूल्हा बना हुआ हूँ। दूल्हा तो क्या मतलब, इज्जत देंगे? जा पप्पू बुला रही हूँ, चल दिया। अरे बेटा अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए आपने सायरा आंटी का बेटा शेरी इतना बुरा तो नहीं जितना आप खफा थी। यार तीन तो चक्कर।
वैसे एक बात बोलूं, भाभी को देख कितने गुस्से में लग रही है। इतने क्यों, मेरी छठी इंच कह रही है बेटा तेरा बैंड बजने वाला है। अरे यार बैंड बजने वाला नहीं, बैंड बज गया। कैसे निकाह हो गया यार मेरा? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अंकल को तेरी औकात बताती है और अंकल को पता लग गया हो कि तू किसी काम का नहीं है? तेरी औकात ही नहीं है, तूने कभी टका नहीं कमाया, तू तेरा लानत है तेरी चक्कर, लानत। कुछ तो शर्म यहाँ कर लिया। एक काम कर, एक बार और लानत दे दे, हैट्रिक हो जाएगी। हम इंसान में कितने अजीब होते हैं ना, कायनात को समझने का दावा करते हैं और खुद को ही नहीं समझ पाते, और जब अपनी समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आप में से भी कोई इस फेज से गुजरा है? लगता है बेगम ने निकाह को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। इज़र जमाल फोन करना पड़ेगा वरना पूरे शहर में मायूसी फैला देगी। चलिए हमारे कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं एफएम 106.2। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, दीवाने होते हैं वो लोग जो मोहब्बत को ढूंढते। मैंने भी एक लड़की से मोहब्बत की थी, और एक ऐसी लड़की जिसको पाना किसी भी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करें तो मोहब्बत आपको ढूंढते ढूंढते खुद ही आपके पास आ जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था किस्मत ने खुद ब खुद उसको मेरे तक पहुंचा दी, और कल मेरा उससे निकाह भी हो गया। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। आप, मेरा मतलब है कि आप भी तो मेरी इस खुशी में खुश होंगी ना। लेकिन एक मसला है, मुझे मेरी वाइफ इस निकाह से खुश नहीं लग रही। मतलब आपकी वाइफ इस निकाह से खुश नहीं और आप खुश हैं, ये तो बहुत ज्यादती हुई ना उस लड़की के साथ। हो सकता है कि ज्यादती ना हुई हो। कभी कभी वो आधा सच जो हमसे छुपा होता है मरियम, उस सच से ज्यादा अहम होता है जो हमारे सामने होता है। क्या आप मेरी वाइफ को एक गाना डेडिकेट कर सकते हैं? तो क्या वो ये सुन रही है? ऑफ कोर्स सुन रही है। ओके, तो फिर आप मुझे उनका नाम बताइए। मगर गाना बहुत खास होना चाहिए, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। जी खास ही होगा, मगर आप उनका नाम तो बताएं। मरियम एहसान। और मुझे खिजर जमाल कहते हैं। लगता है आप शर्माने लगे। खुशफहमी है आपकी। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट। I'm sorry, आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती, so आप प्लीज अपना फोन रख दें सर। हेलो। अभी कोई मुझे कह रहा था कि मोहब्बत को ढूंढने वाले दीवाने होते हैं। ऐसे मोहब्बत को कौन ढूंढता है, मोहब्बत तो खुद ब खुद आपको ढूंढ लेती है, और जब ऐसा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत प्यारे से कॉलर हैं शेरी, जो अपनी वाइफ को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। सो ये रहा गाना जिया की तरफ से शेरी के लिए। मतलब है कि शेरी की तरफ से जिया के लिए। अगली एक ही बात। दीवानी हूँ मैं, और मुझसे भी बड़े दीवाने हैं वो, और खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। खेड़ दे मैं जिद्द।